आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है और आज है आपका 14 फरवरी। तो आज हम लोग नहीं, निब्बा जो छोटे छोटे लोग होते, ना समझ लोग होते, वो क्या मनाते हैं? तो भैया आज ये लोग मनाते हैं वैलेंटाइन डे, दिखावा। लेकिन ये जो दिखावा है ना, वो एक साल, दो साल, तीन साल चलता है। उसके बाद जब लोग बर्बाद हो जाते हैं ना, तब जाकर छूटता है। और बर्बाद ऐसा होते हैं, तीन साल तो टाइम वेस्ट किए और उस बर्बाद होने के बाद बाकी का दो साल और वेस्ट होता है। यानी मिला जुला कर कहने का मतलब है, पांच साल बर्बाद करने के बाद पूरा कैरियर भी खत्म कर देते हैं। फिर बस क्या रहता है जिंदगी में? अफसोस, क्या किए अपने साथ। तो अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। अगर कैरियर अच्छा हो गया ना बाबू, लड़की का लाइन लग जाएगा। अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, सामने से आकर ना मेरी बेटी शादी कर लीजिए। ये जिंदगी, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। अगर कैरियर नहीं बना ना, तो फिर तो कैसा कैसा मिलेगी ये आप सभी को पता है। इसीलिए जिंदगी में कैरियर पर ध्यान दीजिए। कैरियर बन गया तो माँ बाप भी सीना चौड़ा कर बोलेगा, मेरा बेटा ये है, सामने से रिश्ता आएगा। वरना फिर तो पंडित के घर घूमना पड़ेगा, रिश्ता करवा दीजिए, शादी करवा दीजिए, कम बेसी जो भी हो। सोच लो क्या करना है आप सभी को। क्लास स्टार्ट करवाते हैं और आज का दिन सबसे बेकार दिन है जिंदगी लाइफ का। एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बता रहे हैं। क्लास स्टार्ट करवाते हैं आप सभी को फटाफट। और इस बार 12 राज्य के केंद्र शासित मिलाकर सब राज्य का राज्यपाल चेंज हुआ है। आज दोपहर में 12 बजे पूरा लिस्ट दे देंगे, अपडेट कर देंगे। 121 में आपको सारा स्टैटिक जीके दिए हैं एक साल के लिए, और ये समय समय पर अपडेट करते भी रहते हैं। जैसे मान लो अभी जो राज्य का राज्यपाल चेंज हुआ है ना, तो आज दोपहर में 12 बजे तक, जैसे आपको पीडीएफ दिखाएं, जब दिखा देता हूं आप सभी को, हर पीडीएफ बनाए बहुत सॉलिड। मान लो आप सभी, ये पीडीएफ आपके पास होगा ना लिस्ट में, हर पीडीएफ, जैसे मान लो सीएम एंड गवर्नर, इसमें आज 12 बजे तक ना ये पूरा अपडेट कर देंगे, ये पूरा, ठीक है। हालांकि पूरा अपडेट है लेटेस्ट, लेकिन कल पूरे राज्य के राज्यपाल चेंज हुए 12 का, तो पूरा आपको आज अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश सब दिया गया है। हर पीडीएफ ही ऐसे बनाया गया है कि एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। ये सारा नोट्स, जितने भी टॉपिक देख रहे हैं ना, ये टॉपिक एग्जाम में रट्टा मार कर जाना, पढ़ कर जाना है आप सभी को एग्जाम देने से पहले। ये सब टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए, क्वेश्चन बाहर ना बने, पढ़ो ऐसे कि हर टॉपिक कंप्लीट हो। ये सब कुछ आपको मात्र 121 में मिल जाएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन में। डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये तो मिलेगा ही मिलेगा, दो साल का पूरा करेंट अफेयर भी हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा 3500 वो क्वेश्चन भी जो पिछले 4-5 साल में सबसे अधिक रिपीट हुए, ये सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कम से कम रेटिंग दे दीजिएगा यार आप, ठीक है। डाउनलोड बोलते भैया बहुत अच्छा बनाया है, बहुत मस्त बनाया है, लेकिन बाबू एक बार गूगल के ऊपर रेटिंग भी आप दे देना, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन, आप सभी को पता है टर्की और सीरिया में भूकंप आया है। टर्की में तो हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। अच्छा तबाही कहां पर हुआ? टर्की में। तो टर्की के लिए ना विश्व बैंक ने कितने बिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? एग्जाम में बोलेगा तो अपने फंड से विश्व बैंक जो है वो कितना राशि दे रहा है इस आपदा में टर्की को? तो 1.78 बिलियन डॉलर। ये कितना होता है अगर रुपए की बात करें तो? 178 करोड़ रुपए जो है वो विश्व बैंक देगा सहायता के रूप में टर्की को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस भारतीय एथलीट ने एशिया इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में, आप देखे होंगे ना शॉर्ट पुट घुमा के फेंकता है हाथ से, उस गेम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हालांकि यहां पर ऑप्शन दिया गया कमलजीत कौर, नहीं दिया गया क्योंकि उनको तो बैन किया गया है ना नशा को दवा लेने के जुर्म में। तो ये जीता किसने है? तो जीता गया तजिंदर सिंह तूर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा आप सभी। एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम भारत से तेजिंदर सिंह तूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो आज पूरा लिस्ट आपको दे देंगे 12 बजे, अप टू डेट आप खोल कर देखिएगा, पूरा अपडेट आपको मिलेगा।
कंटेंट पूरा एप्लीकेशन पर अपडेट करते रहते हैं, तो झमेला नहीं है आपको कि भैया एक बार किताब खरीद लिए पुराना चीज अपडेट है। इसीलिए बोलते हैं एप्लीकेशन पर ऐसे बनाए हैं ना कि आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है, एक साल तक। लद्दाख का नया राज्यपाल कौन होगा? हिमाचल प्रदेश नहीं बाबू, कौन है ये? बी डी मिश्रा। तो याद रखिएगा, नए राज्यपाल लद्दाख के बी डी मिश्रा, राधा कृष्णा माथुर अभी तक आपको याद था लेकिन अब ये याद नहीं करना है। लद्दाख का नया राज्यपाल तो बी डी मिश्रा है, पूरा लिस्ट आपको दे देंगे आज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, आप सभी को पता है महिलाओं का, और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है इस महिला आईपीएल में? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, लिख कर ले लो मुझसे कि महिला आईपीएल में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, स्मृति मंदाना। इनको 3.4 करोड़ रुपए में, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा बात है, कितने रुपए में आरसीबी ने इनको खरीदा है, ठीक है, किसने? तो रॉयल चैलेंज बैंगलोर, ऑप्शन नंबर डी, जिसके लिए विराट कोहली खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा एरो शो, मतलब जो हवाई एरोप्लेन का जो शो होता है ना, जो सारे जितने भी एरोप्लेन है जो अपना अपना करामात दिखाते हैं, उसका एक शो हुआ है जिसको नाम क्या है आपका, एरियो इंडिया 2023, इसका मेजबानी कौन सा शहर किया है? तो आपको पहले भी बताए हैं बेंगलोर में हुआ है। कहां पर? बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा, इसका विषय क्या दिया गया, एग्जाम में पूछेगा थीम क्या था, तो थीम तो इंग्लिश हिंदी में एक ही रहता है, तो नाम याद रखिएगा आप सभी लोग। इस बार का थीम है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, याद रहेगा आप सभी को थीम, विषय क्या है, ये मेजबानी कहां पर हुआ, बेंगलोर में। इसका उद्घाटन किसने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। विषय क्या था, द रन वे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्र संस्कृति महोत्सव, हमारे देश का संस्कृति कल्चर कला इसका जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्र संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया, मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्नलिज्म के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्र पुरस्कार किसको दिया गया? ये सब अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। हैदराबाद के एक पत्रकार है जिनका नाम है आपका डॉक्टर ए बी के प्रसाद, इनको दिया गया है 23 का राजा राम मोहन राय राष्ट्र पुरस्कार, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, 450 विकेट लेने वाले जल्दी कम मैच में पहले भारतीय कौन बन चुका है, भारतीय, तो 89 मैच में 450 विकेट, यानी सबसे जल्दी 450 विकेट लेने वाले टेस्ट में भारत का कौन खिलाड़ी बन गया है, रविचंद्र अश्विन, याद रखिएगा। और सबसे जल्दी कौन लिया है भैया, पूरे विश्व की बात करें तो ये तो भारत की बात हो गया, तो सबसे जल्दी लिए 80 मैच में मुरलीधरन, और मुरलीधरन के नाम पर सबसे ज्यादा विकेट है टेस्ट में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट का, T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, शतक बनाने वाले ये पहले भारतीय बन गए, यानी टेस्ट वनडे और T20 तीनों मैच में सेंचुरी लगाने वाले पहला भारतीय बल्ले कप्तान वो हो चुके हैं रोहित शर्मा। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने नंबर कप्तान है, यानी इनसे पहले भी कितने लोग लगा चुके हैं, तो ये चौथे बने हैं। तीन कौन कौन लगाए हैं भैया, तो एक तो पाकिस्तान वाला बाबर आजम, ठीक है, एक लगाए हैं, किसी को नाम पता नहीं होगा बहुत लोगों को, बाबर आजम दिमाग में आएगा, और एक कौन लगाया है, तो साउथ अफ्रीका के डुप्लेसिस, ठीक है, और एक कौन लगाया है, श्रीलंका के तिलक रतन दिलशान, अच्छा खिलाड़ी था, बॉलिंग भी करते थे, तीनों लाजवाब प्लेयर थे, ठीक है। तो चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा, इनके पहले तीन लोग, आजम, डुप्लेसिस और दिलशान, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो नतालिया गोरिता ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्यों दे दिया बताते हैं, ये किस देश की प्रधानमंत्री थी, एक्चुअल में हुआ क्या, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुआ, और जो ये देश पड़ता है ना मोल्दोवो, ये जस्ट बगल में पड़ता है इन दोनों देश के बीच में, तो उनके अगर मान लो हमारे देश के बगल में कोई देश का लड़ाई लग जाए, खुद लग जाए, और वो देश जो लड़ रहा है वही गैस जो है वो सब जगह भेजता है, ट्रांसफर करता है, एक्सपोर्ट करता है,
अगर वो गैस ना दे तो उस बगल वाले देश में कमी आएगा, खाने पीने की किल्लत भी आएगी, प्रभाव तो पड़ेगा इस लड़ाई से। तो क्या हुआ, रसिया यूक्रेन की लड़ाई से ना इनके देश पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पूरा गिर गया। अब गिर गया, देश का हालत खराब हो जाएगा, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे। तो इन्होंने इसके लिए ना इस्तीफा दे दिया और सरकार इनकी गिर भी गई है। ठीक है, तो मोल्दोवो की प्रधानमंत्री जिनका नाम था नतालिया गोर्लिता, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये था आपका 14 तारीख का करेंट अफेयर। कितना देर पड़े, अभी 8:10 हो रहा है, आप खुद देखो इतने देर ही करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे भी ना। और करेंट अफेयर जो भी पढ़ रहे हैं भैया याद है, जैसे दाल भात सब्जी खाते सबको अलग अलग अगर पढ़ो ताकि अच्छा लगे, खिचड़ी बना दोगे ना बाबू तो फिर दाल चावल चुनना मुश्किल हो जाएगा, फिर दिमाग में हलचल मचा रहेगा, कितना पढ़े हैं क्या पढ़े हैं नहीं पता है, अलग अलग पढ़ो मजा आएगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, इसका पीडीएफ डाल दें टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का, और अपने साथ साथ माँ का ख्याल रखे, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और पीडीएफ लेना कैसे, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर से आपको सारा कंटेंट जो बताए हैं स्टार्टिंग के वीडियो में, जो ब्रह्मास्त्र है आपकी 23 में आने वाले एग्जाम में साबित होगा, मैं प्रूफ दिखाऊंगा एग्जाम के दिन, वो आप देख लो आपको लेना कैसे। ठीक है, सबसे पहले फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फोन नंबर ईमेल आईडी देकर रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा आपको होम पेज पर दिख रहा होगा ब्रह्मास्त्र, या फिर नीचे वाले वीडियो ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से भी आप जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को जैसे आप क्लिक करेंगे, नीचे देख रहे हैं ये 121 में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा शानदार। इसको आप इसमें अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं दिखा दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, डाउनलोड भी आप सभी करवा सकते हैं। स्टैटिक जीके में टोटल 48 टॉपिक है जो अप टू डेट है। ठीक है, मान लो आपको दिखा देते हैं, मान लो आपने टॉपिक खोला, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आप, जैसे मान लीजिए आपको रिसेंट में मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस गवर्नर लोकसभा राज्यसभा, मान लो ये पीडीएफ खोलें। ठीक है, आप खोलें, आपके सामने हर पीडीएफ देख रहे हैं, हर पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको, मान लीजिए आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हुआ अभी तक, ये पूरा दिया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ ना आपका 18 से 22 तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इसको लेकर ये भी डाल दिया गया है। ठीक है, और भी पीडीएफ जैसे मान लीजिए संस्थापक वाला पढ़ना है, जितने भी राजवंश हुए हैं उसका पहला राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, उसका राजधानी क्या था, 18 से 19 प्लस आप सभी का 18 से 22 तक जो क्वेश्चन पूछे वो भी डाल दिया गया है। इसको आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं, कैसे, ऊपर में यहां पर दिया गया ऑप्शन, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर पूरा 2 साल का मिल जाएगा आप सभी को, प्लस ये 3 सेक्शन मिल जाएगा जो जीके में 3500 लगभग क्वेश्चन है। ये आप कुछ ये नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट जो पार्ट है आपका वन लाइनर 15-16 क्वेश्चन वो भी पढ़ लोगे ना तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा ये ब्रह्मास्त्र वीडियो के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट है।